हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पांच महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। ठीक है, पांच महत्वपूर्ण ऐसी प्रयोगशाला विधि को हम देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, इन पाँच महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि को तैयार कर लिया तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, केवल हम बताएंगे ही नहीं कि कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि आएगी। ठीक है, हम पूरा सॉल्यूशन आपको दे के जाएंगे कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं ताकि आपको क्या हो, फुल में फुल जो प्रयोगशाला विधि में पांच नंबर मिलते हैं सब कुछ आपको मिल पाए। ठीक है, तो हर प्रयोगशाला विधि को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो जो हमारी पहली प्रयोगशाला विधि देख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, चूंकि आपका क्या है, पी ब्लॉक हटा दिया गया। ठीक है, तो आपके पास प्रयोगशाला विधि भी बहुत ही कम बची है। ठीक है, तो इन पांच प्रयोगशाला विधि को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे, पांच नंबर की आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो पहली है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। ठीक है, आपको क्या करना है, जब एक दो भौतिक गुण तैयार कर लीजिए, एक ही दो आप रासायनिक गुण और एक ही दो आप उपयोग। ठीक, इतना ही करना होता है, सब कुछ बताएंगे आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे। अगली हमारी प्रयोगशाला विधि है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके भी आपको क्या करना है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और विधि और चित्र। ठीक है, इतना पूछा जाता है, इतना अगर आप तैयार कर लेते तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगली हमारी प्रयोगशाला विधि है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। कैसे बनाया जाता है डाई एथिल ईथर को प्रयोगशाला में, सब कुछ बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से करवा के, तैयारी करवा के जाएंगे। ठीक है, अगली हमारी प्रयोगशाला विधि है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, अगली हमारी है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे इजी से शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रयोगशाला विधि है जो कि आप अच्छे तरह से तैयार कर ले, बहुत ही इजी हो, वो आपकी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी प्रयोगशाला विधि फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसी प्रयोगशाला विधि है जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बाकी जो आपकी क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मिक अम्ल है, इसकी जो प्रयोगशाला विधि है थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन आपकी सबसे ईजी इन चारों पांचों में से सबसे ज़्यादा इजी आपकी फॉर्मल्डिहाइड है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी प्रयोगशाला विधि है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड होता है, सूत्र इसका होता है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। अगर हम इसके क्या करें, IUPAC नाम के बारे में बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम कैसे बनाएंगे, एक कार्बन होता है तो हम मेथ लगाते हैं, दो कार्बन होता है तो IUPAC के लिए हम एथ लगाते हैं, तीन कार्बन होता है तो प्रोप लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगा है, अनुलग्न OH हाइड्रोक्सिल समूह है जिसके लिए हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस अल यानी कि मेथेनल। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, मेथेनल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड, सूत्र होता है HCHO और IUPAC नाम होता है मेथेनल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बात करें इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में, तो देख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में हम फॉर्मल्डिहाइड को क्या करते हैं, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन या वायु से क्रिया कराते हैं तो मिथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, मिथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे वो फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमें क्या लेना है, मिथिल एल्कोहल लेना है। मिथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। ठीक है, मिथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक, अब इसकी हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, O2 हमने ऑक्सीजन ले लिया और हम मिथिल एल्कोहल के क्या करेंगे, दो भाग मिथिल एल्कोहल लेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेटिनम उत्प्रेरक लेंगे। कौन सा उत्प्रेरक लेंगे, प्लेटिनीकृत है, कौन सा, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास। उत्प्रेरक हमारा प्लेटिनम है और आप जानते हैं कि उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देना। अगर आपकी अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हो रही है और हम किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं तो हो सकता है वो अभिक्रिया 5 मिनट में पूरी हो जाए या फिर 2 मिनट में पूरी हो जाए, इस टाइप से होता है। तो उत्प्रेरक का काम यही होता है, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाना ही उत्प्रेरक का क्या होता है, काम होता है। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, हम कितना टेम्परेचर में बनाएंगे, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कितना टेम्परेचर चाहिए हमें, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम ये रिएक्शन कराएंगे मेथिल एल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एच और ये वाला कार्बन HCHO, ठीक, HCHO, एक H ले लिया, एक कार्बन ले लिया, और ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये उल्टा हो जाएगा, HO लग जाएगा। ठीक, अब इसमें भी दो का गुणा करा लेते हैं, तो हमने लिया कितना कितना, ये हाइड्रोक्सिल समूह हमने यहाँ पे पूरा ले लिया है HO, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से क्या काम किया हमने, एक हाइड्रोजन ले लिया, तीन दूनी छः हाइड्रोजन है, तो हमने कितने हाइड्रोजन लिए, जब एक लेंगे दो से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन, और ये वाले तो दो थे ही। अब इसके पास चार हाइड्रोजन बचे हैं, चार हाइड्रोजन बचे ना, तो क्या करेंगे, चार हाइड्रोजन हैं और दो ऑक्सीजन के भाग हैं, हैं दो ऑक्सीजन के, तो हम हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं, 2H2O लिख लेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, दो दूनी चार और ऑक्सीजन के दो तो बैलेंस हो ही रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, 2H2O। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, देख सकते हैं आप, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। हमने लिया मेथिल एल्कोहल के दो भाग, ऑक्सीजन से क्रिया कराई प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ और जल के अणु बाहर निकल चुके। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दो से गुणा हो जाएगा हमारा, तो जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से प्रयोगशाला में हम फॉर्मल्डिहाइड को बनाते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस टाइप से हम बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें होता क्या है, हम सिंपली एक स्टैंड लगाते हैं, ठीक है, एक स्टैंड लगाते हैं जिसमें जाली कशी हुई होती है। ठीक है, नीचे क्या लगाते हैं, नीचे बर्नर लगाते हैं जो कि गैस जलाने के काम आता है। ठीक है, जैसे हम घर में गैस जला के खाना बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे नीचे बर्नर लगा होता है, ऊपर एक जाली रखी होती है, जैसे घर वाली गैस पे होता है जाली रखी होती है, उसके ऊपर बर्तन रखते हैं, वैसा ही काम इसमें भी होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस जाली के ऊपर एक जल ऊष्मक रख देते हैं, जल ऊष्मक यानी कि जैसे हम भगोने में नहीं पानी भर के गर्म करते हैं फिर उसके ऊपर कोई चीज बनाए, जैसे मोमोज बनते हैं भाप में बनते हैं ना, तो वैसा ही काम इसमें भी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा होता है, कांच का आसवन फ्लास्क जो कि लोटे की आकृति का होता है, लोटे की आकृति का एक कांच का आसवन फ्लास्क होता है जिसको हम क्या करते हैं, जल ऊष्मक के ऊपर रख देते हैं। अब इस आसवन फ्लास्क में हमने भरा क्या है, मेथिल एल्कोहल भरा है, और ऊपर से क्या करते हैं, एक समकोण से मुड़ी हुई नली से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन मेथिल एल्कोहल के संपर्क में आती है और हम क्या करते हैं, इस बर्नर को गर्म करते हैं, कितना टेम्परेचर रखते हैं, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको गर्म करते हैं, तो सबसे पहले जल ऊष्मक गर्म होता है, फिर उसकी वजह से आसवन फ्लास्क गर्म हो जाता है, और जब वायु मेथिल एल्कोहल के संपर्क में आती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई है। ठीक है, मिक्सचर हुआ है लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं परिवर्तित हुई है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी अभिक्रिया को हमारे बहुत समय लगने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लेटिनीकृत स्बेस्ट्रास यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक की जो नली है इससे गुजारेंगे, यहाँ पे लेके आए और फिर क्या करेंगे, एक बहुत ही तीव्र भट्टी पे इसको हम क्या करेंगे, लाल होने तक पकाएंगे। जैसे हम घर पे क्या करते हैं, कोई चीज हमें बनाना हो, प्याज को लाल होने तक पकाते हैं ना भाई, सफेद सफेद प्याज हल्का सा फ्राई किया तो वो तो नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसको लाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो फॉर्मल्डिहाइड हमारा नहीं बन पा रहा था, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसको क्या करेंगे, लाल होने तक पकाएंगे। अब लाल होने तक ये जो पक चुका है तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन अभी इसमें क्या है, अशुद्धियां हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, उठा के ग्राही फ्लास्क में लेके आएंगे और सबसे पहले इसको जल डाल के धुलेंगे। जल डाल के जब इसको धुला जाएगा तो शुद्ध फॉर्मल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम HCl या H2SO4 डाल के इसको हम शुद्ध फॉर्मेलिन 40% फॉर्मल्डिहाइड हमें ग्राही फ्लास्क में प्राप्त हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिन बोला जाता है। तो इस प्रकार फिगर के माध्यम से फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है। अब जिन लोगों को विधि लिखनी है वो कैसे लिख पाएंगे, तो चलिए हम नोट्स देख लेते हैं जिससे आप विधि भी आसानी से लिख पाएं। तो विधि देख लीजिए, इस विधि में एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं जिसमें मेथिल एल्कोहल लेते हैं, और फिर इस फ्लास्क को हम कहाँ रख देते हैं, जल ऊष्मक के ऊपर रख देते हैं, तथा जब बर्नर को गर्म करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो मेथिल एल्कोहल की वाष्प निकलती है। अभी ये फॉर्मल्डिहाइड में नहीं चेंज हुई, फिर इसे क्या करते हैं, दहन नली में ले जाते हैं और प्लेटिनीकृत उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्लेटिनीकृत उत्प्रेरक की जाली थी ना एस्बेस्टास की, उससे हम क्या करते हैं, इस मेथिल एल्कोहल की भाप को गुजारते हैं और दहन नली में लाल होने तक पकाते हैं। ठीक है, पकाया, जिससे मेथिल एल्कोहल को क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल हमारा फॉर्मल्डिहाइड में
चेंज हो जाता है और क्या करते हैं, इसे ग्राही फ्लास्क में हम एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, अशुद्ध है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसे जल डाल के धुल लेंगे और इसमें HCl और H2SO4 डाल के इसको शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, गैस युक्त या जो जलीय विलयन है फॉर्मेलिन कहलाता है। इसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, बाकी शेष क्या होता है, जल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अब बात करें कि जो प्रयोगशाला में हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया उसका रूप रंग कैसा, उसके गुण कैसे, उसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, अगर हम इसके भौतिक गुण के बारे में बात करें, यह जल में विलेय है, यह रंगहीन गंधहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है, इसे सूंघने पर क्या होती है, घुटन महसूस होती है। ठीक है, तो ये बात इसके भौतिक गुण के बारे में। तो बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में, तो देख सकते हैं आप, सबसे जो पहला रासायनिक गुण है यूरोट्रोपिन बनाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि ये आपका केवल रिएक्शन ही पूछ ले कि यूरोट्रोपिन पे टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। इस पे हम करते क्या है, 6 भाग हम फॉर्मेल्डिहाइड के लेते हैं, 4 भाग अमोनिया का लेते हैं। ठीक है, तो बनता क्या है, बनता है हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको यूरोट्रोपिन बोला जाता है, और जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि अच्छे से पढ़नी है, तो हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रासायनिक गुण कौन सा है। तो हमारी अगली रिएक्शन है NaOH से अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, 2 भाग हम फॉर्मेल्डिहाइड के लेंगे, 1 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हुई इसके रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग कौन कौन से हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, नैपकिन टिश्यू पेपर बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, संक्रमण वाले तेल बनाने में भी फॉर्मेल्डिहाइड का काफी हद तक यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एसीटोन प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में एसीटोन। तो चलिए बात कर ले, सबसे पहले बात कर ले हम एसीटोन के सामान्य परिचय के बारे में। तो देख सकते हैं आप, एसीटोन का साधारण नाम एसीटोन होता है। ठीक है, अगर हम इसके सूत्र के बारे में बात करें, तो इसका सूत्र होता है CH3COCH3। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ठीक है, तो चलिए IUPAC नाम कैसे बनाएंगे, देख सकते हैं आप, एसीटोन में क्या है, एसीटोन में कितने कार्बन है, 1, 2, 3। एक कार्बन होता है तो मेथ लगता है, 2 कार्बन होते हैं तो एथ लगता है, 3 कार्बन होता है तो प्रोप लगता है। लगता है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोप लगेगा, यानी प्रोपेन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, 2, 3 कार्बन है, प्रोपेन प्लस, अब ये क्या है, ये जो CO समूह उपस्थित है। ठीक है, इसमें क्या है, CO समूह उपस्थित है तो क्या लगेगा, अनुलग्न ओन लगेगा। ठीक, प्रोपेन प्लस ओन यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। IUPAC क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन। ठीक, साधारण नाम एसीटोन, सूत्र होता है CH3COCH3, और एसीटोन का IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। ठीक, तो प्रयोगशाला विधि के बारे में बात करें, तो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है, COO का होल ट्वाइस CA, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस और CA, इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो हम करते हैं क्या है, प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, इसका क्या करते हैं, शुष्क आसवन कराते हैं, तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्या करा लेते हैं, इसका हम करा लेते हैं आसवन, क्या कराते हैं, इसका आसवन करा लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट हमने लिया जो कि निर्जल है, बिना जल डाला हुआ, ठीक है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट है, इसका हम आसवन करा लेते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए इसमें CH3 समूह कितने उपस्थित है, 2 CH3 समूह उपस्थित हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 CH3 समूह ले लेंगे। ठीक है, और CO सबसे पहले हम करेंगे, 1 CH3 समूह हमने लिया, मेथिल समूह लिया और ये CO लगाया। ठीक है, 2 CH3 समूह थे, एक फिर से ले लेते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें एसीटोन प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसमें बचा क्या है, पहले तो ये समझिए। ठीक है, कैल्शियम बचा है और हमने केवल लिया है CO, 1 कार्बन का है। ठीक, और ये कितने हैं भाई, 2, 2, 4 थे,
दो दो चार ऑक्सीजन थे जिसमें से हमने लिया कितना है, एक ऑक्सीजन का ले लिया, चार थे तो कितने बचे, तीन बचे, ठीक है। और एक कैल्शियम का है, तो ये क्या हो जाएगा, CaCO3, क्या हो जाएगा, CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो हमें CaCO3 प्राप्त हुआ है इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्या है, एसीटोन। देख सकते हैं आप, हम जब क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट का आसवन करेंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा और कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रयोगशाला में हम एसीटोन कैसे बना सकते हैं। तो एसीटोन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंड लगाएंगे जिसमें क्या होती, जाली कसी हुई होती, ठीक है। एक स्टैंड लगाएंगे जिसमें जाली कसी हुई होती, नीचे एक हम बर्नर लगाएंगे जो कि गैस जलाने के काम आता है, ठीक है। जैसे हम घर पे गैस पे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऊपर जाली लगी होती फिर बर्तन रख के खाना बनाते हैं, ठीक, यही काम होता है घर पे। तो हम क्या करेंगे, इस जाली के ऊपर एक रिटार्ड फ्लास्क जिसमें क्या होते हैं, दो मुंह होते हैं। रिटार्ड फ्लास्क में क्या होते हैं, दो मुंह होते हैं, ठीक। एक ऊपर होता है जिसपे हम ढक्कन लगा देते हैं और जो नीचे वाला है उससे हम क्या करते हैं, एक नली जोड़ देते हैं, ठीक है, इतना काम होता है। तो इस रिटार्ड फ्लास्क में हम करेंगे क्या, कैल्शियम एसीटेट, क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट इस रिटार्ड फ्लास्क में भर देंगे और क्या करेंगे, गैस चालू करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम एसीटेट को जब इस रिटार्ड फ्लास्क में भर देंगे और गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कैल्शियम एसीटेट क्या होगा, एसीटोन में परिवर्तित होगा। यही कैल्शियम एसीटेट क्या होगा, एसीटोन में परिवर्तित होगा। इसका हम क्या करा रहे हैं, शुष्क आसवन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये एसीटोन में परिवर्तित हुआ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। इन अशुद्धियों को हम कैसे दूर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक नली द्वारा, ये पृथककारी कीप द्वारा हम क्या करेंगे, संघनित्र में लाएंगे। ये कैसा है, जल संघनित्र है, ऊपर से जल डाल के हम क्या करेंगे, इस एसीटोन को धुल देंगे। ये एसीटोन धुल चुका है और यहाँ से अतिरिक्त जल बाहर निकल जाएगा। अब ये हमारा क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। जैसे हम घर पे क्या करते हैं, कपड़े हमारे गंदे हैं हम उनको धुलते हैं तभी तो पहनेंगे, लेकिन भैया कपड़े जैसे धुलेंगे तो पहले सुखाएंगे तभी तो पहनेंगे, नहीं तो गीले नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमें इस एसीटोन को सुखाना पड़ेगा। कैसे सुखाएंगे, हम क्या करेंगे, इसमें HCl डालेंगे या तो H2SO4, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, शुष्क इसको कर लेंगे और शुद्ध और शुष्क एसीटोन हम क्या करेंगे, इस ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे, जिससे हमें क्या होगा, प्रयोगशाला में हम इसी टाइप से क्या करते हैं, एसीटोन बनाते हैं। जिन लोगों को विधि लिखनी है वो कैसे लिख पाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। देख सकते हैं आप, विधि में हम करते क्या है, इस विधि में हमें एक स्टैंड लेते हैं, एक स्टैंड लगा होता है जिसमें क्या कसी होती है, जाली कसी होती है, ठीक है। जाली के नीचे एक बर्नर लगा होता है जो कि गैस जलाने के काम आता है, ठीक है। तो इसके नीचे एक बर्नर लगा होता है, जाली के ऊपर हम एक दो मुंह वाला एक रिटार्ड फ्लास्क रखते हैं, क्या रखते हैं, दो मुंह वाला एक रिटार्ड फ्लास्क रखते हैं, और इस रिटार्ड फ्लास्क में क्या लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, बर्नर से गैस चालू करते हैं और इस फ्लास्क को, रिटार्ड फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो यही कैल्शियम एसीटेट एसीटोन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस एसीटोन में अभी क्या है, अशुद्धियां हैं, इनको हमें धुलना पड़ेगा, अशुद्धियां हटानी पड़ेंगी, परंतु इस एसीटोन में अभी क्या है, अशुद्धियां हैं, जिससे हम इसे क्या करेंगे, जल संघनित में ले जाएंगे और ठंडा जल डाल के इसको क्या करेंगे, शुद्ध कर लेंगे। अभी इसमें क्या है, जल की नमी रह गई है, इसको हम क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड डालकर हिलाएंगे, क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड डाल के इसको क्या करेंगे, हिलाएंगे। बाद में हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डाल लीजिए, HCl डाल लीजिए या फिर H2SO4, इसको हम डाल के क्या करेंगे, शुद्ध व शुष्क एसीटोन हम आसानी से ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे, ठीक है। तो एसीटोन तो बना लिया, अब इस एसीटोन के भौतिक गुण कैसे हैं, इसका रूप रंग कैसा है, ये हम जान लेते हैं। तो बात करें एसीटोन का रूप रंग कैसा है, तो देख लीजिए, यह रंगहीन, बिना किसी रंग का गंधहीन ज्वलनशील द्रव है, ठीक है। यह रंगहीन है, गंधहीन है, और जलाने पे क्या होता है, जलता है। जैसे कपूर जलता है ना, वैसे ही हमारा एसीटोन अगर हम इसको जलाएं तो वो भी जलता है, ठीक है। यह रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील द्रव है, यह जल एल्कोहल व ईथर में विलेय है, ठीक है। अगर हम इसको जल में घोले तो भी घुलेगा, एल्कोहल यानी शराब में घोले तो भी घुल जाएगा, और ईथर के विलयन में घोले तो भी ये घुल जाएगा। इसका गलनांक -94.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, इसका गलनांक -94.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बात हुई जो हमने एसीटोन बनाया था उसके भौतिक गुण यानी रूप रंग के बारे में। अब तो बात करें एसीटोन के रासायनिक गुण के बारे में, तो देख सकते हैं आप, एसीटोन की क्या कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे एसीटोन CH3COCH3 और इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ
HCl3, ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा सकते हैं, ठीक है। एसीटोन लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करा रहे हैं, उपस्थिति किसकी है? कास्टिक पोटास की उपस्थिति है, तो बनेगा क्या? क्लोरीटोन हमें प्राप्त होता है। जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आपको इसे अच्छे से समझना हो तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। तो अब हम क्या करेंगे, एसीटोन की क्रिया अमोनिया से कराएंगे, ठीक है। एसीटोन की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तब क्या होगा, देख सकते हैं आप, एक भाग हमने एसीटोन ये लिया है, एक भाग एसीटोन ये लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, अमोनिया लिया, ठीक है। तो होगा क्या, बनेगा आपका डाई एसीटोएमीन, करना कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप दोनों मेथिल समूह ये लगे हैं, एक मेथिल समूह आपका क्या हुआ है, देख सकते हैं आप, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, तो ये CH2 हो जाएगा, CH2COCH3, ठीक। एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, एक हम क्या करेंगे, एक ये वाले यहां से निकलेगा, ठीक, एक हाइड्रोजन ये आपका ये जो आपका अमोनिया है ना, यहां से निकलेगा एक हाइड्रोजन, और आपका जो CH3 मेथिल समूह है इससे निकल जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन से ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे तो जल बन जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन से दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जल के अणु बन जाएंगे, बाकी क्या बनेगा, बाकी सब वैसे ही जुड़ जाएगा, डाई एसीटोएमीन बन जाएगा जब हम एसीटोन की क्रिया अमोनिया से कराएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई एसीटोन के रासायनिक गुण के बारे में। तो बात करें एसीटोन के उपयोग के बारे में, तो देख सकते हैं आप, विलायक बनाने में इसका उपयोग होता है, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, ठीक है, ये जो हमारे हाथ पे नेल पॉलिश लगी ना, इसको छुटाने वाले जो रिमूवर है उसको बनाने में भी एसीटोन का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में एसीटोन का यूज होता है, कांच का सामान बनाने में एसीटोन का उपयोग किया जाता है, और औषधियों के निर्माण में भी एसीटोन का यूज किया जाता है, विलायक बनाने में, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, कांच का सामान बनाने में, और औषधियों के निर्माण में भी एसीटोन का बहुत यूज किया जाता है। तो हमारी अगली प्रयोगशाला विधि है डाई एथिल ईथर को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो बात करें डाई एथिल ईथर के सामान्य परिचय के बारे में, तो देख सकते हैं आप, इसका जो साधारण नाम होता है, ठीक है, ये इसका क्या है, साधारण नाम इसका क्या होता है, डाई एथिल ईथर होता है। सूत्र के बारे में देखें तो सूत्र इसका C2H5O C2H5 होता है, क्या होता है सूत्र इसका, C2H5O C2H5 होता है, देख सकते हैं आप, सामान्य नाम इसका डाई एथिल ईथर, सूत्र होता है इसका C2H5O C2H5। IUPAC नाम कैसे निकालेंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, दो ये है, दो ये है, चार कार्बन है, ठीक है, चार कार्बन है इसमें, तो होगा क्या, इसका नाम होता है, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, दो कार्बन के लिए एथ लगता है, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका होल ट्वाइस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 का होल ट्वाइस O, ठीक है, O लगा है, यानी अनुलग्न क्या लग जाएगा, अनुलग्न आपका लगेगा एथॉक्सी, क्या लगेगा, अनुलग्न एथॉक्सी लगेगा, और दो कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ लगेगा, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC एथॉक्सी एथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, IUPAC एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये क्या है, एथिल समूह का होल ट्वाइस है, ठीक है, इसीलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो चलिए बात कर लें कि प्रयोगशाला में हम डाई एथिल ईथर को कैसे बना सकते हैं, प्रयोगशाला में हम डाई एथिल ईथर बनाने के लिए करते क्या है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम एथिल एल्कोहल और सांद सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, एथिल एल्कोहल और सांद सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो दो पदों में हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, दो पदों में प्राप्त होता है, जब हम एथिल एल्कोहल और सांद सल्फ्यूरिक अम्ल को साथ में गर्म करते हैं तो दो पदों में हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, रिएक्शन करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं आप, हम इसके लिए क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल लेंगे जिसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है, और साथ में क्या लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लेंगे। दोनों को हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करेंगे तो होगा क्या, ठीक है, यहाँ से ये जो एथिल समूह है C2H5 ये बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का एक हाइड्रोजन ले लेगा अपने साथ में, क्या ले लेगा, एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह OH है इसका एक हाइड्रोजन ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, जल के अणु बना लेगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे थे, एक हाइड्रोजन इसका लिया H2SO4 का और ये जो हाइड्रोक्सिल समूह OH है तो क्या हो गया, H2O जल के अणु बाहर बना लिए इसने, ठीक है। हमने अभी लिया क्या है, केवल एथिल समूह आपका C2H5 लिया है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन केवल अभी निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या है, HSO4, ठीक,
क्या बचा है? HSO4। तो ये हमारा उत्पाद कौन सा बन गया है? इस उत्पाद का नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? एथिल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और ये सल्फेट लगा है आपका SO4, ठीक है। तो इसका नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। क्या बना? हमने बनाया लिया था आपका एथिल एल्कोहल लिया था, सांद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराई, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दोनों को मिलाकर गर्म किया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठा के यहाँ पे रख लेंगे, ठीक, उठा के यहाँ पे रख लेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया, जब एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म किया तो नहीं बना था, केवल बना क्या है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तक ही बन पाया है। फिर से क्या करेंगे, अब इस विधि को हम फिर से अपनाएंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठाएंगे और एक बार फिर से एथिल एल्कोहल मिलाएंगे, तब हमारा डाइएथिल ईथर प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? रिएक्शन के माध्यम से, समझते। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया और एथिल एल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब इनको मिला के हम गर्म करेंगे तो होगा क्या, ये जो एथिल समूह है और ये एथिल समूह, ठीक, एक ऑक्सीजन लेके निकल लेंगे, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन लेके निकल लेंगे। तो यहाँ से हुआ क्या, C2H5O और ये वाला एथिल समूह भी यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन चुका है डाई एथिल ईथर। क्या है? दो एथिल समूह है, एक होता है तो मोनो होता है, एक अगर एथिल समूह है या कोई भी हो, मिथिल हो, एथिल हो, कुछ भी हो, अगर एक होता है तो मोनो बोलते हैं उसको, दो होता है तो डाई, तीन होते हैं तो ट्राई, ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, डाई एथिल, और ओ क्या है हमारा, ओ लगा है तो इसको बोलेंगे ईथर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डाइएथिल ईथर है। अब जो बचा है उसको भी तो हमें जोड़ना है, तो बचा क्या है ये पहले समझिए, ठीक है। तो हमने उठाया कहाँ तक था, केवल यहाँ तक, C2H5O तक उठाया था और यहाँ से एथिल समूह जोड़ा था। अभी ये हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, H2SO4। क्या बना लेगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। किया क्या, एक बार हमने एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से उठाया, एथिल एल्कोहल फिर से इसमें मिलाया, फिर से गर्म किया, डाइएथिल ईथर बना और फिर से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि डाइएथिल ईथर हमें कैसे बनाना है। तो प्रयोगशाला में डाइएथिल ईथर कैसे बनाया जाता है देख सकते हैं आप, चित्र के माध्यम से समझिए। एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड पे क्या कसी होती है, जाली कसी होती है, ठीक है। नीचे एक बर्नर लगा होता है कुछ इस टाइप से, जिससे क्या काम करते हैं, जैसे घर वाली गैस चूल्हे को हम क्या करते हैं, बटन से ऑन करते हैं तो गैस चालू होती है, उसके ऊपर हम रख के खाना बनाते हैं। सेम वही काम यहाँ पे भी प्रयोगशाला में होता है, जाली लगी है, जाली स्टैंड, जिसके ऊपर बर्तन हम सुविधापूर्वक रख सके, ठीक है। नीचे एक बर्नर लगा है जिसको बटन खोल के हम क्या करेंगे, गैस चालू करेंगे, प्रयोगशाला में चीजें बनाएंगे, ठीक। ऊपर हमने क्या किया है, इस जाली के ऊपर एक बालू ऊष्मक रखा है, मान लीजिए कोई तसला है जिसमें हमने बालू भर दिया है, ये हमारा क्या बन चुका, बालू ऊष्मक बन चुका, बन गया। इसके ऊपर क्या करेंगे हम, एक आसवन फ्लास्क, जो कि लोटे के आकार का, एक कांच का लोटे के आकार का आसवन फ्लास्क होता है, ठीक है। इस पे हमने क्या लिया, एथिल एल्कोहल लिया और सांद सल्फ्यूरिक अम्ल लिया इसी आसवन फ्लास्क में, ठीक। ऊपर लगाई है एक थिसिल कीप, क्या लगाई है, एक थिसिल कीप लगाई है, जिससे हम एथिल एल्कोहल बूंद बूंद करके गिराएंगे। होगा क्या, पहले ये समझिए। अब बर्नर से हम गैस चालू कर चुके हैं, बालू ऊष्मक धीरे धीरे गर्म होगा, तो इस आसवन फ्लास्क में जो एथिल एल्कोहल है H2SO4, जब ये गर्म होगा तो सबसे पहले क्या बनाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यही बनाया था, पहली बार में डाइएथिल ईथर नहीं बना। अब हम क्या करेंगे भैया, नहीं बना है, एक थिसिल कीप लगाएंगे, फिर से बूंद बूंद करके एथिल एल्कोहल गिरा रहे हैं, फिर से गैस ऑन है, ठीक है। तो ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एथिल एल्कोहल से क्रिया करके, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था एथिल एल्कोहल से इसने फिर से क्रिया की, अब डाइएथिल ईथर बना। डाइएथिल ईथर की भाप बनी है, जिसको हम क्या करेंगे, एक नली द्वारा, इस डाइएथिल ईथर की जो भाप बनी है इसमें अशुद्धियां हैं, जिसको हम नली द्वारा कहाँ ले जाएंगे, जल संघनित्र में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, जल संघनित्र में, ठीक है। हम इसको ले आए हैं जल संघनित्र में, ऊपर से क्या करेंगे, ठंडा जल गिराएंगे और इस डाइएथिल ईथर को हम धुल लेंगे। अब हमारे कपड़े जब गंदे होते हैं, हमें उसको धुलना पड़ता है, तो धुलेंगे तो कपड़े गीले होंगे, धुल चुके हैं तो गीले कपड़े तो कोई नहीं पहनेगा, इस तो हम डाइएथिल ईथर को गीला कैसे रख लें, नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम डाइएथिल ईथर को इससे बचाने के लिए, ये जो नमी है इससे बचाने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब आप मिलाएंगे तो इससे अम्लीय अशुद्धियों को दूर करेंगे और क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाल के इसको शुष्क कर लेंगे।
ठीक है, और शुष्क कर लेंगे और क्या करेंगे, इस ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा कर लेंगे जो कि बर्फ के ऊपर रखा है। इस बर्फ के ऊपर रखे ग्राही फ्लास्क में क्या करेंगे, हम शुद्ध डाई एथिलीटर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब जिन लोगों को नोट्स बनाने हैं वो विधि कैसे लिख पाएंगे वो जान लेते हैं। तो अब विधि कैसे लिखना है, हम इस विधि में हमने किया क्या, एक आसवन फ्लास्क लिया था जिसमें क्या भरा था, एथिल अल्कोहल भरा था और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर हमने क्या किया था, ऊपर से एक थिसिल कीप लगाई थी जिससे हम क्या कर रहे थे, बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल ऊपर से गिरा रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बाल ऊष्मक को गर्म करेंगे बर्नर से और 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करेंगे। ठीक है, बाल ऊष्मक जब गर्म होगा तो आसवन फ्लास्क के अंदर जो एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल है और ऊपर से जो एथिल अल्कोहल गिरा रहे थे, तो इनकी संक्रिया से क्या बनेगा, ईथर की भाप बनेगी। लेकिन इस ईथर में क्या है, अभी अशुद्धियां हैं, जो ईथर हमें प्राप्त हुआ है उसमें अशुद्धियां हैं, जिसे क्या करेंगे, जल संघनित में ले जाके उन अशुद्धियों को क्या करेंगे, ठंडे जल द्वारा धुल लेंगे। ठीक है, ठंडे जल द्वारा धुल लिया, लेकिन अभी उसमें क्या रह गई है, जल की अशुद्धि रह गई क्योंकि नमी आ गई है। ठीक है, अब नमी युक्त तो रख नहीं लेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले NaOH डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जिससे क्या होगा, अम्लीय अशुद्धियों को हम दूर कर लेंगे और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डालकर शुद्ध व शुष्क डाइएथिल ईथर हम ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में डाइएथिल ईथर बनाया जाता है और विधि भी आपको इसी टाइप से लिखना। ठीक है, अब डाइएथिल ईथर तो बना लिया, अब उसका रूप रंग कैसा है, रूप रंग कैसा है, उसका गलनांक क्वथनांक भौतिक गुण कैसा है, वो भी हमें लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो हमने जो डाइएथिल ईथर बनाया था वह जल में अल्पविलेय है, वो जल में नहीं घुलता है। कैसे नहीं घुलेगा, जैसे हम तेल की बूंद क्या करें, जल में डालें तो वो तैरेगी, घुलती नहीं है, बिल्कुल नहीं घुलेगी। आप चाहे जितना मिक्स करने की कोशिश करें, तेल क्या होता है, पानी में तैरता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो डाइएथिल ईथर है जल में अल्पविलेय है, बहुत ही हल्का सा घुलेगा, बाकी घुल चाहे जितना कोशिश करिए ये घुलेगा नहीं जल में। और अगर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में घोल दें तो ये घुल जाएगा। ठीक है, जल में अल्पविलेय तथा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म के विलयन में ये क्या है, पूर्ण रूप से विलेय है। इसका घनत्व 1 से कम होता है, जो डाइएथिल ईथर हमने बनाया है इसका घनत्व 1 से कम है। यह रंगहीन वाष्पशील तरल द्रव है, यह रंगहीन है, बिना किसी रंग का है और एक तरल द्रव है। ठीक है, इसे सूंघने पर बेहोशी आती है, जैसे क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर बेहोशी आती है, वैसे ही हमने जो डाइएथिल ईथर बनाया है इसकी अगर इसको हम अगर सूंघ लें तो हमें बेहोशी सी आने लगती है। ठीक है, तो यह जल में अल्पविलेय बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में विलेय है, इसका घनत्व 1 से कम है, यह रंगहीन वाष्पशील तरल द्रव है, इसको सूंघने से बेहोशी आती है। अब तो बात करें डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुण के बारे में, तो देख सकते हैं आप हम क्या करें, डाइएथिल ईथर का जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5। ठीक है, और इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन करा दे तो हो क्या जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं। ठीक, बाकी तो क्या है, एथिल समूह लगा है और हाइड्रोजन के कितने भाग हैं, देख सकते हैं आप हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम OH लिख सकते हैं, OH के 2 हैं, है? तो यहां से हो क्या जाएगा भाई, C2H5 और ये OH। ठीक, C2H5 के भी 2 भाग हैं, OH के भी 2 भाग हैं, तो यहाँ क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें। तो हम अगर क्या कर लें, डाइएथिल ईथर का जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें एथिल एल्कोहल के 2 भाग प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होता है जब हम डाइएथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं, तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाइएथिल ईथर की अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएं, यानी HI से क्रिया कराएं, तब क्या होगा। तो सिंपली हमने डाइएथिल ईथर लिया है C2H5O C2H5, इसकी क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, पहले तो ये समझिए, 2 एथिल समूह है, 1 एथिल समूह इसका उठा लेंगे हम C2H5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H5 और 1 ये जो आयोडाइड है इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, एथिल आयोडाइड। क्या बन गया, एथिल आयोडाइड, क्या बना है ये हमारा, एथिल आयोडाइड। ठीक है, ये हमारा एथिल आयोडाइड बन गया है। अब यहाँ पे क्या बचा है, C2H5O बचा है और H बचा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH C2H5OH। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, तो हमने किया क्या,
हमने किया क्या, हमने डाई एथिल ईथर को जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ है और एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो बात करें इसके उपयोग के बारे में तो देख सकते हैं आप, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में डाई एथिल ईथर का उपयोग किया जाता है, प्रसीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, शल्य चिकित्सा में बेहोशी के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसको शून्य के इंजेक्शन बोला जाता है तो उसमें भी हम डाई एथिल ईथर का भी उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म के भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसको शून्य का इंजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा में बेहोशी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और पेट्रोल के स्थान पे हम पावरफुल एल्कोहल के रूप में भी क्या करते हैं, डाई एथिल ईथर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मात्र इन तीन प्रयोगशाला विधियों को तैयार कर लिया तो आपके एक नंबर भी नहीं कटने वाले, इन्हीं तीन प्रयोगशाला विधि से इस बार का बोर्ड एग्जाम का पेपर बनने वाला है। ठीक है, अगर आपको वो दो भी याद करनी है जैसे आपका फॉर्मिक अम्ल या फिर क्लोरोफॉर्म तो चैनल में हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये प्रयोगशाला विधियां समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।